हरियाणा में पानीपत अनाज मंडी से दिल्ली के लिए ट्रैक्टर यात्रा लेकर निकले सैकड़ों किसानों और कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने समालखा में रोक लिया। पुलिस ने पहले उन्हें दिल्ली की तरफ न बढ़ने के लिए समझाया, लेकिन जब वे नहीं माने तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उन पर पानी की बौछार की। इसके बाद कुछ को हरियाणा रोडवेज की बसों में भरकर ले गए और पुलिस लाइन के पास छोड़ दिया। सरकार ने जो काला कानून लाया है इस देश का किसान के खिलाफ है, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी है। शर्म आना चाहिए इस सरकार को। आप इस देश का युवा के साथ आपने खेलने का काम किया, 28 करोड़ युवा का नौकरी छीनने का काम किया, अभी 80 करोड़ किसान का रीढ़ को हड्डी को तोड़ने के लिए ये सरकार लगी है। शर्म आना चाहिए। आपने बड़े बड़े बात किया था, जो मन की बात में आपने बात रखे थे, आत्मनिर्भर बनना पूरा देशवासी है। अरे किसान असली आत्मनिर्भर है, उसको अडानी निर्भर अंबानी निर्भर क्यों बनाना चाह रहे हैं? शर्म आना चाहिए सरकार, जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस लेना चाहिए। जब तक नहीं लेगा तब तक छोड़ेगा नहीं, ये लड़ने का काम हम करेंगे। ये सरकार को किसान हो और युवा हो, कोई वर्ग कोई समाज से लेना देना नहीं है। 4-5 लोग उनका दोस्त लोग है जो चुनाव में इसको मदद किया था, उसको मदद करने में लगा है। पूरा देश का जनता को समझ में आ गया, ये रंगा बिल्ला का सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इस देश का किसान उखाड़ के फेंकेगा, इस देश का युवा उखाड़ के फेंकेगा, इस देश का मजदूर उखाड़ के फेंकेगा, इस देश का सभी वर्ग सभी समाज लोग इसको उखाड़ के फेंकने का काम इस रंगा बिल्ला का सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। कट्टर सरकार तुम लाठी चलाना गोली चलाना पाली चला लो, ये कांग्रेस कार्यकर्ता है, राहुल गांधी जी का सिपाही है, ये खून और त्याग बलिदान का पार्टी है, उनका पार्टी जैसा नहीं है। किसान के लिए हम सब लोग तैयार हैं। सर आज आप जाने नहीं देंगे, यहीं पे रोक लिया जाएगा आपको? अरे रोकने का ये कट्टर के इशारा पे, अमित शाह का इशारा पे चल रहा है। पुलिस सभी जो अधिकारी है सारे किसान है, उनके अंदर भी दर्द है, बट हम भी कोशिश करेंगे ये सरकार को घेरने का काम करेंगे।